नमस्कार दोस्तों, स्वागत है MS27 प्रोडक्शन ब्लॉग में। आज मैं आपको लखनऊ के हैप्पीनेस पार्क का फुल व्यू दिखाने वाला हूँ। वैसे तो ये पार्क पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, पर पार्क के लेफ्ट साइड में कुछ एरिया में अभी भी नई चीजों का निर्माण किया जा रहा है। इस एरिया में अभी भी काम जारी है और ये किंग कॉन्ग वाला झूला आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा। दोस्तों, इस पार्क के ओपन होने की जो डेट बताई गई थी वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। जो डेट हमने आपको पहले बताई थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी तक कोई और नई डेट नहीं बताई गई है। ये यहाँ पे झूलता हुआ हाथी हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे बोटिंग एरिया बनाया गया है। दोस्तों, जिन लोगों ने बचपन में टायर नचाए होंगे उनको ये देख के बहुत खुशी मिलने वाली है। यहाँ पे उस लम्हे को भी दर्शाया गया है। इस पार्क में आगे ऐसी बहुत सी चीजें हैं, तो देखते रहिएगा लगातार। और ये आ गया झूलता मीनार। अब आगे जो कंपोजिशन हमें देखने को मिलेगा उसमें भी बचपन के एक खेल को दर्शाया गया है जिसे बहुत लोगों ने खेला होगा। और ये आ गया वो। और यहाँ है गौतम बुद्धा जी की मूर्ति। दोस्तों, ये पार्क पहले बुद्धा पार्क था जिसको अब हैप्पीनेस पार्क बना दिया गया है। और यहाँ पे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और बॉलीवुड को भी दिखाया गया है। ये पार्क क्योंकि पुराना है जिसको नया किया गया है, तो यहाँ पे ये पहले से ही बहुत ही हरा भरा है। और ये देखिए, ये भी बचपन की एक याद, कंचा खेलते हुए दिखाया गया है। फिर यहाँ पे चार मीनार। तो इस पार्क के अंदर बहुत कुछ है देखने के लिए, जिसको देखने के लिए सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। पर लगातार पार्क का ना ओपन होना और डेट का बढ़ते रहना, इससे लखनऊ वासी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। देखते हैं कब आती है नई डेट, पर लगातार यही सुनने को मिल रहा है, यही बताया जा रहा है कि ये पार्क जल्द ही ओपन होने वाला है। और क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लगभग बन ही चुका है, तो इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं इसके ओपन होने में। दोस्तों, क्योंकि ये पार्क अभी तक पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, इसी वजह से हमने आपको ये पार्क अभी पूरा घुमाने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों, इस पार्क का जब नवीनीकरण नहीं भी हुआ था तब भी यहाँ पे हर दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती थी। अब जब इसे इतना सुंदर बना दिया गया है और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बना दी गई हैं, तो लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इसे देखने के लिए और भी भारी संख्या में आने के लिए तैयार होंगे। अब देखना ये है कि पार्क अपने शुरुआती दिनों में उस भीड़ का सामना कैसे करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं और झूले काफी हैं यहाँ पे। और अब एक बार फिर से हम किंग कॉन्ग के पास आ चुके हैं। इस पार्क की हर इंफॉर्मेशन हम ऐसे ही लगातार आपको देते रहेंगे, तो बने रहिए MS27 प्रोडक्शन ब्लॉग के साथ। और हो सके तो आप हमारे और भी वीडियोस जरूर देखें इस चैनल पर, जिसमें हमने लखनऊ की बहुत सी चीजों को दिखाने का प्रयास किया है। तो हम फिर मिलेंगे फिर से किसी नई जगह, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।